जिला अधिकारी से वार्ता हुई तो हम लोगों ने इस निंदा प्रस्ताव की जानकारी उनको दी। तो उनका कहना था जो आप किसी भी कानूनविद से, अच्छे कानूनविद से कर लीजिए राय मशविरा, यदि हमारा पावर बचा होगा इस मामले में, क्योंकि सर्टिफिकेट निर्गत होने जाने के बाद में सारे चीज़ सील हो जाते हैं, वो कोर्ट के आदेश से ही खोले जा सकते हैं या निर्वाचन आयोग के आदेश से खोले जाते हैं, इसलिए अब हमारा हाथ बन चुका है। हमारा ये भूख हड़ताल साबित कर दिया है जो जिला प्रशासन चोर है, डीएम यहाँ का चोर है, वीडियो के इशारे वीडियो को चोरी का सह दे के हमारा मत को छीन लिया, हमारा मत को जीतने वाले में जोड़ दिया है और हमको जबरदस्ती चुनाव हरा दिया। उसी लाज से डीएम हमारे पास नहीं आए और ये जो समझौता का कार्यक्रम है हमारे माले सचिव ध्रुव नारायण कर्ण जी के जिम्मा में, उन्होंने अपना गुप्तगु करके और लाज के चलते यहाँ अनशन तोड़वारे नहीं आए हैं और इनके खिलाफ लगातार लड़ाई चलेगी, हम कोर्ट का भी शरण लेंगे। पंचायत चुनाव में हुए धांधली को लेकर बेरमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में योगनाथ मंडल जी रहे हैं और विगत 6 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बाबा साहब प्रतिमा स्थल पर डटे हुए हैं और आज भूख हड़ताल तोड़ी जा रही है। मधुबनी जिला के माले सचिव से वार्ता करेंगे कि आखिर किस मुद्दा पर आज आप अनशन तुड़वाए हैं। मेरा नाम हुआ ध्रुव नारायण कर्ण, भाकपा माले मधुबनी जिला के सचिव हैं। यहाँ सबसे पहले 17 तारीख से जो आमरण अनशन चल रहा था, तो आमरण अनशन पर जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए जिला प्रशासन का, वह संवेदनशीलता नहीं रही। उनकी संवेदनहीनता के खिलाफ हम लोग पूरे धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक निंदा प्रस्ताव भी पास किए थे और साथ साथ जब जिला अधिकारी से वार्ता हुई तो हम लोगों ने इस निंदा प्रस्ताव की जानकारी उनको दी। साथ ही इन विषय पर वार्ता भी हुई पंचायत चुनाव में धांधली के सवाल पर, तो उनका कहना था जो आप किसी भी कानूनविद से, अच्छे कानूनविद से कर लीजिए राय मशविरा, यदि हमारा पावर बचा होगा इस मामले में, क्योंकि सर्टिफिकेट निर्गत होने जाने के बाद में सारे चीज़ सील हो जाते हैं, वो कोर्ट के आदेश से ही खोले जा सकते हैं या निर्वाचन आयोग के आदेश से खोले जाते हैं, इसलिए अब हमारा हाथ बन चुका है। आप कोर्ट में अगर केस कर देते हैं, कोर्ट आदेश देगा तो पूरा खुलेगा, नहीं आदेश देगा नहीं खुलेगा, ये अब कोर्ट का मामला है, निर्वाचन आयोग का मामला है। इसके बाद हम लोग जब सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो बोले जो कि आप किसी भी अच्छे कानूनविद से, सिविल के कानूनविद से राय विचार कर लीजिए, अगर हमारे बात से कोई डिफरेंस आए तो ठीक है, फिर हम लोग बैठ कर करके वार्ता करेंगे, अनशनकारी को भी आप बुला के लाएंगे, हम उनसे वार्ता करेंगे, अगर नहीं तो हमें लगता है जो कि अनशन समाप्त होना चाहिए, ये उनका कहना था। हम लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और फिर आज हम लोग सुरेंद्र लाल दास जो यहाँ के बड़े अधिवक्ता हैं सिविल के, उनसे राय विचार किए, वो भी यही राय दिए। तब हम लोगों ने यही माना जो अब 30 दिन के लिए समय बचता है, 26 दिसंबर ही, और 24 दिसंबर से कोर्ट बंद है, इसीलिए कल हम लोगों को कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर देना चाहिए और हमको अनशन समाप्त करना चाहिए। इसी निर्णय के तहत आज इनका आमरण अनशन, कॉमरेड जगन्नाथ मंडल का आमरण अनशन समाप्त कराया जा रहा है। आइए हम और कुछ बात करते हैं, जहां लगातार 6 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और आज भूख हड़ताल समाप्त की गई है, तो इस प्रकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है और आगे आने वाले समय में किस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए अपने पंचायत में हुए चुनाव की अनियमितता को लेकर के आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हम जिस सवाल को लेके 17 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल पर थे, पंचायत चुनाव में चुनाव प्रक्रिया से लेके मतगणना तक अनियमितता में, हमारा ये भूख हड़ताल साबित कर दिया है जो जिला प्रशासन चोर है, डीएम यहाँ का चोर है, वीडियो के इशारे वीडियो को चोरी का सह दे के हमारा मत को छीन लिया, हमारा मत को जीतने वाले में जोड़ दिया है और हमको जबरदस्ती चुनाव हरा दिया। उसी लाज से डीएम हमारे पास नहीं आए और ये
जो समझौता का कार्यक्रम है हमारे माले सचिव ध्रुव नारायण कर्ण जी के जिम्मा में, उन्होंने अपना गुप्तगु करके और लाज के चलते यहाँ अनशन तोड़वारे नहीं आए हैं और इनके खिलाफ लगातार लड़ाई चलेगी। हम कोर्ट का भी शरण लेंगे और ये तानाशाह जो डीएम है, जो अपने आप को अंग्रेज का समझता है, पोषक अंग्रेज का पुत्र, हम उसको साबित करेंगे जो लोकतंत्र में डीएम बड़ा नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, लोकतंत्र में जन आंदोलन बड़ी होती है। इसलिए अगर तानाशाही रवैया आपका है तो भले मधुबनी से आप बच के जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जाके आपको लोकतंत्र का मुकाबला करना होगा। आज आप देख लिए, यही अंत धरना और कार्यक्रम के माध्यम से किसान आंदोलन हमने जीत के पूरे देश में ये साबित कर दिया, जो तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कह रहा था काला कृषि कानून तीनों वापस नहीं लेंगे, वो साबित हो गया। जो नहीं जन आंदोलन बाध्य करके साबित कर दिया, जो नहीं लेना होगा वापस, और सदन में बहुमत पास करके फिर कानून को वापस लिया है। तो जन आंदोलन में ताकत है, जन आंदोलन के बदौलत हिंदुस्तान की आज़ादी मिली है। हमारे आज़ाद भारत के लिए भगत सिंह, राजगुरु, शेख सुखदेव, यतीन्द्रनाथ बोस, खुदीराम बोस, सारे लोग, शहादत कुरवा झांसी की रानी, तात्या टोपे, सारे लोग कुर्बानियां दे के हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाई है। उस आज़ाद भारत के ये कलेक्टर है और इतना बड़ा तानाशाह कलेक्टर जो हमारे वोट को चुरा के और संजय झा के इशारे पर रमन प्रसाद के पक्ष में हमारा जो 1108 वोट है उसको जोड़ दिया है, उसको ज़बरदस्ती चुनाव जिता दिया, काउंटिंग हॉल में हमसे ज़बरदस्ती करके और हमने पूरा व्यवस्था को, पूरा कलेक्टर के पूरा वीडियो को सारे लोग को कहा, जो आपका चोरी व्यवस्था है, चोरी किए हैं, उसके खिलाफ हम लगातार 30 तारीख को लखनऊ वीडियो के यहाँ एजिटेशन किए थे, 6 तारीख को इस कलेक्टर के यहाँ एजिटेशन किए, उस दिन भी यही बहाना लगा के जो हमारा 4:30 बजे ये कलेक्टर मुख्यालय पहुँचे, लेकिन बहाना लगाए जो VC चल रहा है, तो मीटिंग चल रहा है, उस दिन भी वार्ता नहीं किया। 6 दिन से आज अनशन पर लगातार डटे हुए हैं। चोर ईमानदार के पास नहीं आएगा, ये साबित हो गया। पूरे 399 पंचायत में ये चुनाव में बगलिंग किया है और उसका जीता जागता सबूत ये बेरमा पंचायत साबित कर दिया है, जो मधुबनी का प्रशासन पंचायत आम चुनाव में चोरी किया है, चोरी के बदौलत ये अपना चैम्बर में बैठ के और अनाप शनाप करते करते हमारे कामरेड को कहे कि जो नहीं कोर्ट का शरण लीजिए। हम अपने कामरेड ध्रुव जी माले को, जो सचिव हैं, प्रेम जी जो हमारे जिला कमेटी के साथी हैं, अनिल सिंह जो हमारे जिला कमेटी के साथी हैं, साथ ही हमारे किरण जी, साथ में अखिलेश जी, साथ में मिथिलेश जी, ये सारे हमारे साथ हैं और अभी अनशन की कार्रवाई को हम स्थगित करते हैं और आगे आने वाले दिन में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इस तानाशाही रवैया को चकनाचूर के करके रखेंगे। ऐसी चुनाव व्यवस्था को नहीं चलने देंगे। ये सदन के अंदर में, विधानसभा के अंदर में हमारे माले के 12 विधायक हैं, सरकार को घेर के बेरमा के सवाल पर सवाल सदन के अंदर में उठेगा और जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। जो बताइए, जो EVM सामने में ORC के माध्यम से काउंटिंग करके पारदर्शिता क्यों नहीं लाया गया? ORC काउंटिंग का मतलब ये होता है, जब ORC मशीन के सामने EVM का मशीन आएगा, उस उम्मीदवार का नाम आ जाएगा, उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आ जाएगा, उस उम्मीदवार का वोट कितना है वो पारदर्शी में दिखाएगा और इसके बल पर, इसके द्वारा सही चुनाव का काउंटिंग का मतलब होता है। इसलिए ये अन्यायी व्यवस्था, ये अन्यायी DM, ये लोकतंत्र का हत्यारा, और इसके साथ कितना इनका निंदा किया जाए कम होगा। ये तानाशाह व्यवस्था चला रहे हैं, ये व्यवस्था माले को, ये बेरमा पंचायत के संघर्ष समिति को कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। इसलिए जन आंदोलन को तेज करेंगे और तेज करते करते इस व्यवस्था को ध्वस्त करके रखेंगे, यही मेरा कहना है। जोगनाथ मंडल, 4 दिन के बाद शपथ ग्रहण है, फिर उससे पहले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम कोर्ट का शरण पहले ले रहे हैं, कोर्ट बीच में बंद भी हो रहा है, तो अब तो छोड़वा सब सेटिंग वेटिंग किया है, लेकिन हम लगातार जन आंदोलन के माध्यम से शपथ ग्रहण करने के लिए चोरबा करें, लेकिन उसको साबित कर देंगे जो तुम गलत है, हम सही हैं, ये जनता के मत के आधार पर पंचायत में साबित हो जाएगा। तो ये है जोगनाथ मंडल जी।
और लगातार 6 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पे थे और आज भूख हड़ताल तुड़वाई गई है। वो अनशन जो थी वो अनशन आज समाप्त किए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई को आगे तेज़ करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा में भी बेरमा पंचायत में हुए चुनाव में धांधली को लेकर के प्रश्न करवाएंगे, साथ में इस मुद्दा पर सरकार को भी घेरेंगे। तमाम तरह की बातें हुई है और आने वाले समय में अब यहाँ किस प्रकार की गतिविधि बनती है या किस प्रकार की कार्रवाई होती है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।